तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, कोई भी मोबाइल फोन आता है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, तो उस एंड्रॉयड डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करने वाले हैं। तो आज दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये डेड मोबाइल फोन के ऊपर, डेड फोन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेड मोबाइल फोन के ऊपर कम से कम मोर देन 50 प्लस टॉपिक लेकर के आने वाले हैं कि डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा। मतलब 50 ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हमारा डेड मोबाइल फोन खराब, अगर मोबाइल फोन बंद हो जाता है, किस किस कारण से हमारा मोबाइल फोन बंद हो जाता है और हम लोग उसको रिपेयर करने का तरीका सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग ए से लेकर डेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, प्रोग्रामिंग, A to Z कंप्लीट मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है कि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, या कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के माध्यम से आप मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे या मोबाइल फोन को ठीक कर पाएंगे। तो आज हमारा डेड फोन के ऊपर जो टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर यदि LDO सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल फोन कैसे डेड हो जाता है और इस सप्लाई को कैसे चेक किया जाता है, इसका चेक करने का तरीका क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि LDO, अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो LDO शॉर्ट हो जाएगा, तो LDO शॉर्ट होने की वजह से हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है और उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, उसका तरीका आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन बोले तो एंड्रॉयड फोन, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, उन सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर LDO का यूज किया जाता है और इस LDO की सप्लाई खराब होने की वजह से हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है। और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि LDO जो सप्लाई होती है, उस LDO सप्लाई को दोस्तों हम लोग कैसे चेक करेंगे और उस LDO सप्लाई को चेक करने का तरीका क्या होता है, उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि LDO क्या चीज है, LDO क्या चीज है और ये LDO मोबाइल फोन में कैसे काम करता है और क्या इसका आपस में काम करने का वर्किंग का तरीका क्या होता है, जिसके कारण से आप मोबाइल फोन में इसके यूज का तरीका जब समझेंगे तभी प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम लोग रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या होता है, LDO, LDO का पूरा नाम होता है लो ड्रॉप आउट। LDO जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं, सभी मोबाइल फोन में LDO 4 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 4 पिन का होता है, या कुछ मोबाइल फोन में LDO तुम्हारा 5 पिन का भी आता है। तो मोबाइल फोन जो आते हैं, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में जो LDO पाया जाता है ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का दो तरीके से आता है, या तो 4 पिन का होता है या तो 5 पिन का होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे मोबाइल फोन के ऊपर की कंपनी ने 4 पिन का लगाया कि 5 पिन का लगाया है। 4 पिन 5 पिन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। 4 पिन का होता है तो 4 पिन में से क्या होता है, 1 पिन हमारी क्या होती है, माइनस होती है। 5 पिन का होता है तो 5 पिन में से हमारी 2 पिनें जो होती है वो माइनस होती है। अब देखिए काम कैसे करता है, काम करने का इसका तरीका क्या होता है, काम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहली बात क्या, जो LDO सप्लाई जो होती है, इस LDO सप्लाई के अंदर ट्रांजिस्टर और MOSFET, इन दोनों से मिल करके इसका निर्माण किया जाता है। कि मतलब LDO सप्लाई जो बनी होती है वो ट्रांजिस्टर और MOSFET के कॉन्सेप्ट पे बनी होती है, कि मतलब इसके अंदर ट्रांजिस्टर और MOSFET का उपयोग किया जाता है और ट्रांजिस्टर और MOSFET के माध्यम से LDO को डिजाइन किया जाता है या LDO को क्रिएट किया जाता है, LDO को बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि LDO मोबाइल फोन में काम कैसे करता है, क्योंकि जब काम आपको समझ में आया तो इसकी प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएगी। अब देखिए LDO मोबाइल फोन में काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, काम करने का सीक्वेंस क्या होता है।
जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको बड़ा करके अच्छे से समझाता हूँ। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन में एलडीओ जो पाया जाता है, मैंने आपको बताया 4 पिन का होता है। इस 4 पिन में से एलडीओ में से एक पिन हमारी ग्राउंड होती है। फिर इस एलडीओ को काम करने के लिए वीपीएच की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और वीपीएच सप्लाई आपकी कहां पर आती है, चार्जिंग आईसी के माध्यम से। फिर इसके बाद यहां पर क्या होता है, ये वीपीएच सप्लाई यहां से होते हुए इसके अंदर जाती है 3.7 वोल्टेज। फिर इस एलडीओ को सीपीयू के माध्यम से कमांड आती है, सीपीयू के माध्यम से इसको यह कमांड आती है कि तुमको कितना वोल्टेज आउटपुट करना है। तो यहां से हमारा क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट होता है 1.8 वोल्ट। अब डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज आउटपुट होने की जरूरत होती है, कि 1.8 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, या 1.2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सर्किट के लोड के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए इस एलडीओ को काम करने का तरीका क्या होता है, ये काम करने के लिए क्यों लगाया गया, इसका कैसे मोबाइल फोन में उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ कि जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन में टच स्क्रीन लगी है, टच को काम करने के लिए इस तरीके से सप्लाई पिनों की जरूरत होती है। अब ये हमारे जो वोल्टेज होते हैं, ये एलडीओ के माध्यम से हमारे टच की सप्लाई की पिनों पे वोल्टेज जाते हैं। जब टच काम करती है, प्रोसेसिंग करती है, वर्किंग करती है, जाहिर सी बात है जो इसके अंदर आईसी लगी होती है, वोल्टेज का कंजप्शन करती है। जब वोल्टेज का कंजप्शन करेगी तो वहां पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि 1.8 सर्किट में लोड पड़ेगा, 1.9, 1.6, मतलब जैसे जैसे सर्किट को यूज करेंगे तो उस हिसाब से उस वोल्टेज के वेरियस में चेंजेस होते हैं। जब उस वोल्टेज के वेरियस में चेंजेस होते हैं तो जब कोई भी लाइन होता है, जब उसमें वोल्टेज आता है तो वोल्टेज वो कभी कम ज्यादा नहीं होता, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता, वोल्टेज समान आता है। लेकिन जब हम एलडीओ का यूज करते हैं तो एलडीओ का मतलब क्या होता है कि ये सीधे डायरेक्टली वीपीएच लाइन से जुड़ा होता है, और वीपीएच लाइन से जुड़ा होने के बाद इसको सीपीयू के माध्यम से कमांड दी जाती है। सीपीयू के माध्यम, अब सीपीयू को कैसे पता चलता है, सीपीयू को इसी टच में से जब फीडबैक आते हैं तो सीपीयू को यह पता चलता है कि हमारा टच प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहां पर वोल्टेज की जरूरत है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो सीपीयू क्या काम करता है, इसको सिग्नल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये वोल्टेज जो निकलता है, ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज निकलता है, वोल्टेज यहाँ पर सर्किट के डिपेंड करता है, सर्किट के ऊपर इस तरीके से इस वोल्टेज के अंदर अप डाउन इस तरीके से वोल्टेज में चेंजेस भी होते रहते हैं। तो एलडीओ का काम क्या होता है, जो हमारा 3.7 वोल्टेज आ रहा है, उस 3.7 वोल्टेज को इसके माध्यम से कन्वर्ट होकर के 1.8, 1.2, 1.6 इस तरीके से कन्वर्ट होकर के, और वो कन्वर्ट होकर के किसी दूसरे सर्किट को चालू कर रहा है। अब ये खाली तुम्हारा मोबाइल फोन में टच के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे मोबाइल फोन में सेक्शन होते हैं, जैसे मोबाइल फोन में ग्राफिक के लिए हो गया, या मोबाइल फोन में नेटवर्क के लिए हो गया, या मोबाइल फोन में सिम के लिए हो गया। इस तरीके से बहुत ऐसे सारे सर्किट्स होते हैं जो सर्किट काम करते हैं, तो उन सर्किट को काम करने के लिए जब वोल्टेज आता है तो इस तरीके से कन्वर्ट होकर के वोल्टेज आता है। ये तो मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक एलडीओ की बात करी, लेकिन इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर जब पावर आईसी का प्रयोग होता है, तो इस पावर आईसी के अंदर बहुत सारी ऐसी बॉल्स होती हैं। अब ये जो हमारी पावर आईसी होती है, इस पावर आईसी के अंदर देखा जाए तो जो पावर आईसी बनाई जाती है, चार्जिंग आईसी बनाई जाती है, इस पावर आईसी के अंदर ये एलडीओ का ही बंच होता है। एलडीओ का बंच का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे एलडीओ लगे होते हैं, बहुत सारे एलडीओ से मिल करके ही पावर आईसी को क्रिएट किया जाता है।
क्योंकि पावर आईसी का काम क्या होता है कि पावर आईसी का ये काम होता है कि 3.7 एक कांस्टेंट एक वोल्टेज को लेकर के इस वोल्टेज को लेने के बाद फिर ये पावर आईसी कई सारे वेरियस अलग अलग तरीके के वोल्टेज को क्या काम करती है, आउटपुट करती है। तो ये अलग अलग तरीके के जो वोल्टेज होते हैं, ये अलग अलग तरीके के दोस्तों वोल्टेज कैसे बनते हैं, ये अलग अलग तरीके के जो वोल्टेज होते हैं वो इसके अंदर बहुत सारे एलडीओ जो होते हैं वो लगे होते हैं, उनके माध्यम से वोल्टेज क्या करती है, पावर आईसी क्रिएट करती है। अगर आप पावर आईसी के अंदर इंटरनल सर्किट को देखेंगे, इंटरनल सेक्शन को देखेंगे या इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो उसमें इस तरीके का, इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब देखो कैसे काम करने का इसका सिस्टम क्या होता है। जैसे इसके अंदर सप्लाई आ गई, इसमें से एक सप्लाई जो होती है ये तुम्हारी ग्राउंड हो जाती है, ये बॉल ग्राउंड हो गई, इस बॉल का ये सारे इंटरनली कनेक्शन होते हैं, अंदर ही अंदर सारे बॉल्स के कनेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद एक सप्लाई इसको सीपीयू के माध्यम से आती है, फिर उसके बाद इसमें से आउटपुट होता है, इसके लाइन में से कैपेसिटर होता है और ये सप्लाई आउटपुट होती है। जब ये सप्लाई आउटपुट होती है तो आउटपुट होने के बाद जैसे मान लिया 1.8 वोल्ट आउटपुट होती है, तो देखा जाए तो इसके अंदर ये जो पावर आईसी होती है, पावर आईसी को काम करने के लिए सीपीयू से कमांड आती है। कहां से कमांड आती है, सीपीयू से कमांड आती है। अब सीपीयू के अंदर कमांड किसी पर्टिकुलर एक बॉल के लिए जाती है, मान लिया इस बॉल पे जा रही है, पिन नंबर B2 पे जा रही है, B3 पे जा रही है, उसके बाद उसी के पिन पे एक पिन पे वोल्टेज आ रहे होते हैं। ये कौन से वोल्टेज आ रहे होते हैं, VPH वोल्टेज आ रहे होते हैं। ये VPH वोल्टेज में से एक पिन बॉल ग्राउंड होती है, उसके बाद एक पिन से हमारा आउटपुट निकलता है। क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। इसी तरीके से जैसे ये आउटपुट निकला हुआ है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऐसे एलडीओ लगे होते हैं, और ये मल्टीपल एलडीओ के माध्यम से ही हमारी वोल्टेज निकलते हैं, और इस वोल्टेज के माध्यम से आपके मोबाइल फोन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सर्किट चलते हैं। जैसे तुम्हारे नेटवर्क आईसी चलती है, WTR आईसी चलती है, टच चलता है, सिम चलता है, मेमोरी कार्ड चलता है, हेडफोन चलता है, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों को जो सप्लाई जाती है वो इसी पावर आईसी के माध्यम से क्रिएट करी जाती है। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है और वो मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, तो डेड होने के लिए पावर आईसी के लिए तो पूरा पावर आईसी चेक करना पड़ता है। लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो 4 पिन के या 5 पिन के जो एलडीओ यूज करे जाते हैं, तो आप उन एलडीओ को भी चेक कर सकते हैं। अगर वो एलडीओ एक शॉर्ट हो जाएगा तो उस दोस्तों एलडीओ शॉर्ट होने से आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगी कि आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा अगर एक एलडीओ शॉर्ट हो जाता है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप मल्टीमीटर को क्या करेंगे, वी पॉइंट पर सेट करेंगे। वी पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन जो होती है उसको क्या करेंगे, ग्राउंड से लगा लेंगे, उसके बाद ब्लैक से चेक करेंगे। इसके जितनी सारी चारों पिनें होती है, चारों पिनों में कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करेंगे। चारों पिनों को कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक पिन में बीप आती है, ठीक है, उसके अलावा बाकी अदर पिन में भी अगर बीप आने लगती है, तो बीप आने का मतलब होता है ये आपस में क्या हो जाता है, शॉर्ट मार जाता है। जैसे आपस में ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है, तो ग्राउंड से शॉर्ट होने से हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है, क्योंकि इसके शॉर्ट होने का मतलब होता है ये मोबाइल फोन में या तो सीपीयू को सप्लाई को शॉर्ट करता है, या तो आपके मोबाइल फोन में मोस्टली वीपीएच को शॉर्ट करता है। जैसे वीपीएच को शॉर्ट करता है, तो वीपीएच शॉर्ट होने से आपका हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, आपका मोबाइल फोन बंद हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा, और आप मोबाइल फोन में सभी अलग अलग सर्किट को चेक करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था, ये बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो वीपीएच सप्लाई होती है वो चार्जिंग आईसी के माध्यम से कॉइल से बंद करके जो सप्लाई निकलती है वो कई सारे सेक्शन पे जाती है, जैसे पावर सेक्शन पे जाती है, या आपके मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक सेक्शन के अंदर जाती है, या आपके मोबाइल फोन के अंदर लाइट सेक्शन के अंदर जाती है,
या मोबाइल फ़ोन में आपके अंदर PFO के अंदर जाती है, 4G PFO में जाती है, APT में जाती है, और मैंने यहाँ पर LDO का भी मैंने जिक्र किया था कि LDO पे भी जाती है। तो अगर कल को तुम्हारा अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसके शॉर्ट होने से भी आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो आप उस कंडीशन पर, आप उस सिचुएशन पर, उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जो पावर IC बनी होती है ये भी LDO के कॉन्सेप्ट बनी होती है, तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं। तो उसका चेक करने का तरीका मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको LDO के बारे में बात कर रहा था कि अगर LDO की लाइन शॉर्ट हो जाती है, LDO की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तब भी हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये दोस्तों हम लोग इसको चेक करेंगे। ये हमारे जैसे रेडमी के मोबाइल फोन होते हैं या और भी बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं, उस मोबाइल फोन में लगा होता है। सर वहां पर देखिए ग्लास पे मोबाइल फोन रखा होगा, MI का फोन। तो उस मोबाइल फोन में मैं आपको वॉच करके दिखाता हूँ कि आप मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि LDO कहाँ लगा होता है और उसको आप कैसे पहचानेंगे, बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको चेक करने में सहूलियत रहेगी और आपके पास जब मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन को आप आसानी से चेक भी कर पाएंगे। जी जैसे देखिए मेरे पास ये मोबाइल फोन का बोर्ड है, मैं इस बोर्ड में तुमको एक बार LDO दिखाता हूँ, उसको उतार के दिखाता हूँ, उसके अंदर कितनी पिनें कैसी होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने कैमरे पे चलते हैं, आप लोग स्क्रीन पे बने रहें, स्क्रीन पे देखें, मैं आपको अच्छे से वॉच करके दिखाता हूँ रहे हैं। आपको इससे मदद मिल रही है और आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में मदद मिल रही है, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर हम आपको इतना सीखने सिखाने में मदद करते हैं तो आप भी हमारी मदद करिए। एक छोटे से पहल के माध्यम से अगर शेयर करेंगे तो और भी लोगों को सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। देखिए मैं इस बोर्ड में दिखाता हूँ, देखो अगर आप इस बोर्ड में देखेंगे गौर से, अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा सर कैमरे को जूम भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अच्छे से देख पाएं। देखेंगे इसमें से दो पिन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही। उसके बाद ये देखिए इसमें दो पिन इधर भी हैं, दो पिन इधर हैं, दो पिन इधर हैं, तो ये चार पिन का बना, बीच पिन में एक पिन बीच में भी होती है, लेकिन वो हमको दोस्तों निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो मैं उस पिन को निकाल के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको पहले हम लोग हॉटगन से बोर्ड से बाहर निकालेंगे ताकि आप अंदर के सर्किट को अच्छे तरीके से देख सकें और समझ सकें, ताकि हमारे पास जितने भी सारे बच्चे लोग जो सीखते हैं वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा समझते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसका तौर तरीका जानते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने इसको बोर्ड से रिमूव किया है। अगर आप बोर्ड से रिमूव करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको पांच पिनें दिखाई दे रही है। कितने पिनें दिखा रही है? पांच पिन दिखा रही है, पांच पिन का लगा हुआ है हमारे मोबाइल फोन के बोर्ड में। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये देखिए बच्चों ने प्रैक्टिस किया तो सा पूरा बोर्ड को इधर उधर तहस नहस कर दिया है। देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके बोर्ड में ये लगा हुआ है, इसमें से कितने पिन है? पांच पिन है, 1, 2, 3, 4 और ये बीच में पांच। अब इसमें से एक पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड होती है, वो मल्टीमीटर से चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि एक पिन हमारी कौन सी है, ग्राउंड है।
जो पिन ग्राउंड होती है, ग्राउंड का मतलब होता है वो पिन हमारी माइनस होती है, एक पिन माइनस होती है, एक पिन पर यहाँ पर वीपीएच कॉइल लगी होती है। इस वीपीएच कॉइल के माध्यम से सप्लाई जो होती है वो हमारे कहाँ पर आता है, एलडीओ सर्किट को आता है। ये कौन से वोल्टेज आते हैं, वीपीएच वोल्टेज आते हैं। फिर उसके बाद एक मोबाइल फोन में सीपीयू के माध्यम से सप्लाई आएगी। ये सीपीयू के माध्यम से जिसको सप्लाई आती है, ये तुम्हारी कौन सी सप्लाई होती है दोस्तों, ये तुम्हारी इनेबल सप्लाई होती है, जिसको कंट्रोल करता है कितनी सप्लाई आपको निकालना है। उसके बाद इससे आपका एक आउटपुट निकलता है। ये आउटपुट वो निकलता है जो किसी सर्किट को जा करके रन करता है, जाकर के जिस सर्किट को जा करके कंट्रोल करता है, जिस सर्किट को ऑन करता है, चालू करता है, ये वोल्टेज निकलते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों कितने वोल्टेज आते हैं, 3.7 वोल्टेज। यहाँ पर इनेबल कंट्रोल सिग्नल आता है और यहाँ पर आपका क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है 1.8 वोल्टेज। तो तब ये मोबाइल फोन में काम करेगा। अगर आप इसको चेक करेंगे, चेक करने पर आप मल्टीमीटर को रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे, अगर इसकी सारी पिनों में बीप आने लगती है तो बीप आने का मतलब होता है ये शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसके शॉर्ट होने से मोबाइल फोन में प्रॉब्लम ये आती है कि दोस्तों हमारा हैंडसेट डेड हो जाता है। जब हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड से निकाल करके बाहर रख देंगे। और अगर मान लिया ये टच के लिए लगा हुआ है तो आपका मोबाइल फोन तो चालू हो जाएगा, लेकिन फिर बाद टच काम करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसी भी मोबाइल फोन से इस कॉन्फ़िगरेशन का निकाल करके आप इसको लगा सकते हैं, सिमेटिक के माध्यम से इसको देख सकते हैं, इस एलडीओ को ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ये एलडीओ और कौन कौन से मोबाइल फोन में ऐसा लगा होता है, वो सर्किट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके पहले मैंने सिमेटिक के वीडियो में मैंने बताया था कि कंपोनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझने में बहुत हेल्प मिलेगी कि जैसे अगर कल को ये एलडीओ खराब हो जाता है तो दूसरा एलडीओ हम कहाँ से लाएंगे, किस मोबाइल फ़ोन से निकालेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे, इसके लिए लगा हुआ क्या नंबर है, सारी चीज़ें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, काफ़ी चीज़ आपको इसके बारे में हेल्प मिलेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर एलडीओ सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि हमारे मोबाइल फोन में एलडीओ की सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाती है तो आपके हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम आती है, एलडीओ को मोबाइल फोन में कैसे पहचानते हैं, एलडीओ हमारे मोबाइल फोन में सर्किट में कैसे काम करता है, उसका काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों मैंने समझाया। और इसकी खराबी होने की वजह से, इसके खराब होने से आपका हैंडसेट डेड कैसे हो जाता है, इसके बारे में बताया। डेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, उसमें से वीपीएस सप्लाई आती है। अगर ये शॉर्ट होने का मतलब होता है, वीपीएस शॉर्ट होगा, वीपीएस शॉर्ट होने का मतलब पूरा मदरबोर्ड, मोबाइल फोन का जितना इंटरनल सर्किट सब शॉर्ट मारेगा और मोबाइल फोन क्या होगा, बंद होगा। जब बंद होगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या इसको भी सप्लाई अगर किसी छोटे से कंपोनेंट्स या रेजिस्टेंस के माध्यम से अगर आ रही होती तो आप उसको लाइन को ब्रेक करके भी चेक कर सकते हैं, वो भी आप सर्किट के माध्यम से आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप एलडीओ को पहचानेंगे, एलडीओ को चेक करेंगे, उसका तरीका मैंने बताया है। तो आज के दोस्तों में हमारा जो टॉपिक था, डेड मोबाइल फ़ोन के ऊपर एलडीओ को कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर। कल हम लोग सीखेंगे अगला टॉपिक कि डेड मोबाइल फ़ोन का अगला स्टेप, कि डेड मोबाइल फ़ोन अगर मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है तो बंद होने का अगला स्टेप क्या है, कि और कौन कौन से चेक करेंगे। मोर देन सर 50 टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ, अभी 10 से 12 भी टॉपिक नहीं हुए हैं, 50 टॉपिक आपके सामने कवर होंगे कि किन 50 टॉपिक से आप डेड मोबाइल फ़ोन को रिकवर कर सकते हो, डेड मोबाइल फ़ोन को चालू कर सकते हो, या मोबाइल फ़ोन किन किन कारण से बंद हो जाता है। जैसे इंसान की बात करें कि आदमी किस किस कारण से उसके डेड हो सकती है, कब कब आदमी मर सकता है, क्या ऐसे कैसे मर सकता है, अगर आपको सब तरीके पता चल जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके मोबाइल फ़ोन को तो चालू ही कर दोगे। क्योंकि डेड मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना कि आप शू ऐसे हाथ फेर दीजिए, एक मशीन में डाल दीजिए, मल्टीमीटर में एक जगह पर पिन घुसेड़ दीजिए, सप्लाई डाल दीजिए, वह मोबाइल फ़ोन चालू हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। उसके सारे स्टेप्स बने होते हैं, अगर वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम डेड मोबाइल फ़ोन को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से रिपेयर कर पाएंगे और उसको डीप लेवल तक अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी सारा सब कुछ समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने हमको एक गाइडेंस दिया, एक छोटा सा ये बताया कि सर आप अपनी वीडियो में एक ऐसा भी करें, ऐसा भी करें, उनके लिए मैं बिल्कुल
तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने जो चीज़ें बताई हैं हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से सिखा सकें और अच्छे तरीके से आपको नॉलेज दे सकें। और दूसरी बात क्या, उनके लिए एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने चैनल का बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उस चैनल से कम 40 से 50 लोग हैं जो उनके माध्यम से चैनल से जुड़े हैं। उन्होंने खुद अपनी बात को फ़ोन करके बोला है कि सर आपके माध्यम से मैंने 50-60 लोगों को आपके चैनल पर जोड़ा हुआ है ताकि वो लोग भी आपके चैनल की वीडियो को देख सकें, और अगर आप हम लोगों को इतना सिखा रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज दे रहे हैं, तो हमको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल सके। दोस्तों ये सोशल मीडिया का ज़माना है, एक दूसरे को आदमी फैलाता है तभी उसको एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, तो क्यों ना हम अपनी चीज़ों को फैलाएं, अपनी चीज़ों का विस्तार करें। और अगर हम आपको अच्छा सिखा रहे हैं, बेहतर तरीके से सिखा रहे हो और आप हमारी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीख पा रहे हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल रही है, तो आप भी जाने अनजाने में हमारी हेल्प करिए। आप वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो की स्टोरी पर लगाइए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और अपने डिस्क्रिप्शन पर लगाइए, ताकि आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे साथ साथ आप भी प्रेजेंट होते हैं, आप भी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात क्या, जब हम किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो सीखने का मतलब दोस्तों क्या होता है, सीखने का मतलब होता है अपने आप को उसके लिए समर्पित करना होता है, अपने आप को उसके अंदर घुसड़ना होता है। क्योंकि देखो एक दूसरे की नॉलेज को तभी शेयर किया जा सकता है जब एक दूसरे के अंदर घुस जाएं। कहते हैं चेला गुरु जब मिलेंगे तभी तो काम होगा, जब हम और आप मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक दूसरे के नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है। हम आपको सिखा सकें, हम आपके अंदर घुस जाएं और आप हमारे अंदर घुस जाएं, ताकि हमारी सारी बातों को सीख सकें। और इसी तरीके से एक एक करके जितना भी सारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो है वो वीडियो सीखते रहें, वीडियो के माध्यम से नई नई चीज़ों को सीखते रहें। और कंप्लीट इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, वो वीडियो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, हार्डवेयर के माध्यम से हो, बेसिक्स के माध्यम से हो, बहुत सारी मैंने नॉलेज को डाल रखा है ताकि आप वीडियो देखें, वीडियो के माध्यम से सीखें। और अगर इसी तरीके से पूरा इन सब चीज़ों के बारे में पूरा प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से सर जो पूरे 90 दिन का कोर्स होता है, उस 90 दिन के कोर्स को पूरा दिन जब बच्चे सीखते हैं, फुल डे सीखते हैं, तो 45 दिन में सीख जाते हैं। तो उस 45 दिन को चीज़ को सजी आधा घंटे, एक घंटे, 20 मिनट में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर इतनी सारी नॉलेज लेनी है तो फिर तो सर ट्रेनिंग सेंटर को आना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ए से लेकर जेड तक मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं, और आपको हाथ पकड़ पकड़ के मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन में आईसी कैसे डालेंगे, मोबाइल फ़ोन में कटिंग कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन में काम्बो कैसे चेंज करेंगे, मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर कैसे डालेंगे, मोबाइल फ़ोन में यूआई कैसे चेंज करेंगे, ऐसे करके जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, मोबाइल फ़ोन में लॉक कैसे तोड़ा जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, फ्लैशिंग कैसे करी जाएगी, ऐसी जो भी सारी अनगिनत बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, उन सारी समस्याओं को बिल्कुल ईजी वे में कैसे रिपेयर किया जाएगा, वो सारा तरीका दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर, नई चीज़ पर चर्चा करेंगे, और अपने डेड फोन के 50 प्लस टॉपिक को मैं आपको कवर करके दूंगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और आप अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।